दिन की पहली फतह फजर की नमाज पढ़ना है। नमाज दुनिया और आखरत के खजानों की चाबी है। बेशक आजान दुनिया की सबसे मीठी और प्यारी आवाज़ है। पहला सजदा अगर उसकी चाहत का करोगे ना, तो दूसरे सजदे में वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज देगा। अनकरीब अल्लाह तंगी व दुश्वारी के बाद आसानी पैदा करेगा। गम को हराने के लिए सिर्फ तीन दाम बहुत है। अल्लाह पर पुख्ता ईमान, सब्र, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना। उम्मीद जब अल्लाह से लगी हो तो टूटने का खौफ नहीं होता। तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं, फिर भी तुमको नहीं भूलता। अल्लाह तुम्हारी हर फरियाद का जवाब देता है, वो सुनाई देगा जब दिल लगाकर सुनोगे। अल्लाह सुभानु ताला उस दिल की मदद फरमाता है जो अपनी नफसानी ख्वाहिश छोड़कर तक्वा इख्तियार करे। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की वजाहत नहीं की जा सकती, वो एक नूर है और हर एक के करीब उसकी तलब और चाहत के मुताबिक आता है। आप अल्लाह के लिए वक्त निकालें, अल्लाह आपकी ज़िंदगी से बुरा वक्त भी निकाल देगा। बस इंतज़ार कीजिए, तुम्हारा रब तुम्हारे दिल से निकली हुई हर पुकार सुनता है। खामोश हो जाया करें, सह जाया करें, झुक जाया करें, मान लिया करें। ये आजिज़ी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। बंदा जब बाख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह की नज़र में मोतबर हो जाता है। ये मत सोचें कि छोटा नसीहत कर रहा है, मैं बड़ा होके कैसे मान लूँ। नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है, जिसकी ज़ुबान से चाहे हक जारी कर दे। इसलिए अकड़ में ना रहें, अल्लाह के लिए झुक जाएं। आज अपनी बुरी आदत अल्लाह ताला के लिए छोड़ दें, फिर आप देखेंगे हर गुज़रते दिन जब आप खुद पे जबर करते हुए इस आदत की तरफ नहीं जाएंगे, तो आपके दिल में कतरा कतरा नूर दाखिल होने लगेगा। जिनका भरोसा अल्लाह पाक हो, उनकी मंजिल कामयाबी है। इबादत से जन्नत और ख़िदमत से खुदा मिलता है।